हेलो एवरीवन, टीचर्स एकेडमी ग्रुप के यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। तो गाइस, सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक बात बता दें कि कल हम आप लोगों को एक ऑफिशियल लेटर के बारे में बताए थे। तो उस ऑफिशियल लेटर में आपको हम ये जानकारी दिए थे कि आपका जो सीटेट का एग्ज़ाम का डेट फाइनली आ गया है और वो डेट है आपका 31/1/2021। तो दोस्तों, अब एग्ज़ाम का डेट भी जारी हो गया है। बाकी बचे दिनों में हम सीटेट के एग्ज़ाम को कैसे क्रैक करेंगे, इसकी रणनीति के बारे में भी एक वीडियो आप लोगों को मिलेगा। तो दोस्तों, पहले ध्यान से सुनेंगे कि अभी जो हम इस क्लास में आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं, इसमें हम लोग चर्चा करेंगे हिंदी शिक्षण शास्त्र, हिंदी पेडागॉजी। तो दोस्तों, हिंदी पेडागॉजी का टोटली 3 क्लास पहले हो चुका है और आज जो है आपका चैप्टर नंबर 4, 5 और 6। इस सेशन में टोटली हम लोग 3 चैप्टर कवर करने वाले हैं। बहुत ही शॉर्ट सेशन होगा दोस्तों, क्योंकि हम वही पढ़ाते हैं जहां से क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं। और फाइनली सीधा सीधी बात की जाए तो आपका जो अभी हम नोट्स प्रोवाइड कराएंगे, इसका जो अभी आप लोग क्लास अटेंड कर रहे हैं, देख लीजिए ध्यान से। ये आपका टॉपिक 4 एवं 5। टॉपिक 4 है आपका भाषा अधिगम में व्याकरण की भूमिका, टॉपिक 5 है भाषाई विविधता वाले कक्षा कक्ष की समस्या। तो दोस्तों, ये जो आपको नोट मिलेगा, साथ ही इसका डिस्कशन जो होगा अभी, ये फाइनली टोटली आपका होगा NCERT बेस्ड, क्योंकि सीटेट के एग्जाम में आपका जो भी प्रश्न पूछा जाता है वो NCERT बुक से पूछा जाता है। तो अभी तक जो आपके साथ जो भी डाउट था वो डाउट क्लियर हो गया होगा। ये स्टेप करके सेशन को आगे बढ़ाएंगे दोस्तों, इसलिए हम लोग ऑडियो वीडियो क्लियर है, तो ये स्टेप करके हमें कन्फर्मेशन देंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे भाषा अधिगम में व्याकरण की भूमिका। तो दोस्तों, जो हमारे शुरू से रेगुलर क्लास अटेंड कर चुके होंगे उनको भाषा के बारे में अभी तक जानकारी प्राप्त हो गई होगी। अब बात रहती है व्याकरण किसे कहते हैं। तो दोस्तों, ध्यान से सुनिए, कभी भी सीटेट के एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं पूछा है कि व्याकरण किसे कहते हैं, लेकिन भाषा शिक्षण में व्याकरण की क्या भूमिका होती है, भाषा शिक्षण का क्या उद्देश्य है, भाषा में व्याकरण का क्या भूमिका है, ये सब क्वेश्चंस जो है पर ईयर पूछे जाते हैं। तो ध्यान से नोट करेंगे आप लोग, नोट करना है तो नोट करेंगे, नहीं तो स्क्रीनशॉट करेंगे। देखिए, भाषा जो है भाव प्रकट करती है और भाषा को कंट्रोल में रखने के लिए, यानी व्यवस्थित रखने के लिए, भाषा को अनुशासन में रखने के लिए व्याकरण का उपयोग किया जाता है। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल कि अगर हमें विद्यालय में अच्छे ढंग से शिक्षा ग्रहण करना है तो क्या करना होगा कि विद्यालय के रूल को फॉलो करना होगा। उसी तरीके से भाषा हमारा प्रभावशाली तभी होगा जब हम व्याकरण का अनुसरण करेंगे। तो आप लोगों को पता चल गया होगा दोस्तों, जैसे किसी भी सत्ता को चलाने के लिए नियम कानून की जरूरत होती है, उसी प्रकार से अगर कहा जाए तो भाषा का मेन मालिक जो है, मेन नियम जो है, कानून जो है, वो व्याकरण को माना गया है। इसीलिए आपका फर्स्ट पॉइंट हेडिंग में ही दे दिया है कि भाषा, व्याकरण भाषा को अव्यवस्थित होने से बचाता है। क्या करता है, व्याकरण जो है भाषा को अव्यवस्थित होने से बचाता है। इसको दूसरे शब्दों में सुनेंगे तो भाषा के इस बनते बिगड़ते स्वरूप को शुद्ध बनाए रखने के लिए या इसको एक रूपता निर्धारित करने के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं, और इन्हीं नियम को हम लोग क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। तो एक पॉइंट आप लोग अभी सीख गए हैं, ये स्टेप जरूर करेंगे, वीडियो को लाइक शेयर करेंगे और जो नए स्टूडेंट होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अब सेकेंड पॉइंट आती है, व्याकरण भाषा का सहचर है। सहचर का मतलब होता है जो साथ चलने वाला होता है, ठीक। भाषा क्या है, व्याकरण का सहचर है। अब एक क्वेश्चन जो पर ईयर आपके एग्जाम में पूछा जाता है, जिसको हमने अंडरलाइन और हाईलाइट भी किया, व्याकरण शिक्षण की विधि में आगमन विधि को सर्वश्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि इसमें उदाहरण से नियम की ओर जाया जाता है। दोस्तों, क्वेश्चन आपका इतना आता है कि व्याकरण शिक्षण में कौन सी विधि सर्वाधिक यूज किया जाता है, प्रभावशाली विधि कौन है। तो देखिए, आगमन विधि जो है यह एक मनोवैज्ञानिक विधि भी है और व्याकरण शिक्षण में सबसे ज़्यादा यूज जो हम लोग करते हैं शिक्षकों के द्वारा, जो भी पद्धति प्रणाली विधि अपनाई जाती है, वो सभी विधि आगमन विधि का ही होता है। जैसे आगमन विधि में होता क्या है, किसमें विशिष्ट से सामान्य की ओर जाया जाता है, उदाहरण से नियम की ओर जाया जाता है। जैसे किसी भी चीज़ को समझाने के लिए शिक्षक को क्या करना पड़ता है, पहले बहुत सारा उदाहरण देना होता है, उसके बाद उसका फाइनल पॉइंट पर पहुँच करके नियम निकालते हैं, यानी उसका परिभाषा देते हैं। जैसे हमें संज्ञा पढ़ाना होता है तो बच्चे को बताते हैं कि राम एक नाम है व्यक्ति का, पटना एक नाम है स्थान का, रामायण नाम है एक ग्रंथ का,
तो ये सब जो हम उसको एग्जाम्पल दे रहे हैं, तो जैसे ही बहुत सारा एग्जाम्पल देंगे एट लास्ट एक नियम निकल के आएगा कि किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं। तो ये होता है व्याकरण पढ़ाने की सबसे सर्वोत्तम विधि, सबसे सर्वश्रेष्ठ विधि, आगमन विधि। आप लोग समझ गए होंगे दोस्तों। जैसे भी आपको हम एक बात बताने वाले हैं, ध्यान से सुनिएगा कि भाषा जो है अनुकरण से सीखी जाती है, पर भाषा को प्रभावशाली बनाने के लिए हमें सर्वमान्य रूप को सीखना होता है। ये आपको नीचे यहाँ पे देखने को मिल जाएगा दोस्तों। देखिए, इसका भी स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं तो कर लीजिए। भाषा कैसे सीखते हैं? अनुकरण के माध्यम से सीखते हैं, पर भाषा को प्रभावशाली बनाने के लिए हमें उसके सर्वमान्य रूप को सीखना होता है। जैसे किसी भी चीज़ को प्रभावशाली बनाने के लिए उसके पूरे रूल को सीखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसीलिए कहा गया है कि भाषा सीखते तो अनुकरण से है, लेकिन उसको प्रभावशाली बनाने के लिए उसके सर्वमान्य रूप को जानना जरूरी होता है। और सर्वमान्य रूप को जानने का मतलब है कि उसका खुद क्या नियम है, किस रूल को वो फॉलो करता है, कैसे लिखा जाता है, यानी उसका व्याकरण सीखना हमें जरूरी है। तो यहाँ पे ये भी हाईलाइट कर दिए हैं कि भाषा के सर्वमान्य रूप को जानने के लिए हमें व्याकरण को जानना आवश्यक होता है। किसको जानना आवश्यक होता है? तो भाषा के व्याकरण को जानना आवश्यक होता है। अब चलेंगे हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे। व्याकरण की संपूर्ण ज्ञान के अभाव में शुद्ध बोलना और लिखना संभव नहीं है। आप लोग समझ गए होंगे कि व्याकरण के संपूर्ण ज्ञान के अभाव में न ही हम शुद्ध बोल सकते हैं, न ही हम लोग शुद्ध लिख सकते हैं। जैसे हम आपको बताते हैं कि जो सत्ता होता है, सत्ताधारी लोग होते हैं, अगर सत्ताधारी लोग के पास नियम कानून नहीं होगी तो क्या होगा? अराजकता फैल जाएगी। उसी प्रकार से भाषा में बिना व्याकरण का जो है भाषा में अराजकता फैल जाएगी, यानी भाषा अव्यवस्थित हो जाएगा, भाषा का कोई व्यवस्थित रूप नहीं होगा। तो भाषा को व्यवस्थित रूप में रखने के लिए, कंट्रोल में रखने के लिए उसे व्याकरण की आवश्यकता होती है। अब हम लोग मेन पॉइंट पे आ गए हैं दोस्तों, व्याकरण शिक्षण के उद्देश्य। व्याकरण शिक्षण, शिक्षण का मतलब होता है सीखना, सिखाना, ठीक। ऐसे फॉर एग्जांपल अगर समझा जाए तो शिक्षण का इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं टीचिंग। तो टीचिंग के दौरान होता क्या है कि शिक्षक छात्र को सिखाते भी हैं और छात्र से कुछ सीखते भी हैं, यानी उनका अनुभव के फलस्वरूप ही वो बच्चों को पढ़ाते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है छात्रों को शुद्ध बोलने, लिखने तथा पढ़ने में सहायता प्रदान करना। यानी फर्स्ट पॉइंट है व्याकरण शिक्षण का कि छात्रों को शुद्ध बोलने आना चाहिए, शुद्ध लिखने आना चाहिए तथा शुद्ध पढ़ने में भी सहायता करता है। कौन? तो व्याकरण। सेकेंड पॉइंट है भाषा जो है भाषा संबंधी नियमों से अवगत कराकर छात्रों को शुद्ध भाषा का प्रयोग करना सिखाना। यानी भाषा जो है एक नियमबद्ध व्यवस्था है। कैसी व्यवस्था है? भाषा नियमबद्ध एवं क्रमबद्ध व्यवस्था है, और इसका ज्ञान करा करके बच्चों को क्या किया जा सकता है? शुद्ध बोलना सिखाया जा सकता है, शुद्ध लिखना, यानी उसका प्रयोग शुद्ध रूप में करना सिखाया जा सकता है। ये व्याकरण शिक्षण का सेकेंड उद्देश्य था। अब थर्ड है छात्रों को शब्द, लोकोक्ति, मुहावरे आदि का प्रसंग अनुकूल अर्थ निकालने योग्य बनाना। यानी व्याकरण का नॉलेज जो है बच्चों में लोकोक्ति, मुहावरा, ये सब का उसके प्रसंग यानी उसके व्याख्याता के अनुसार उसका जो लिखा गया उसके अनुकूल अर्थ निकालने के योग बनाते हैं। तो दोस्तों आप लोग अगर समझ रहे हैं तो ये स्टेप करके बताइए, क्योंकि जो नोट्स प्रोवाइड करा रहे हैं फाइनली आपका एनसीईआरटी बेस्ड है। कोई भी पॉइंट में किन्हीं को कोई कंफ्यूजन है तो बताएंगे, बिना लाइक के नहीं कहेंगे, वो लाइक जरूर करेंगे। अब हमारा फोर्थ है व्याकरण जो है नवीन भाषा को सीखने में सहायता करता है। यानी अगर कोई नई भाषा हम लोग सीखते हैं तो इसमें व्याकरण का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि उस भाषा को सीखने का मतलब है कि उस भाषा का प्रभावशाली प्रयोग करना। जब तक किसी चीज़ का हम अच्छे ढंग से प्रयोग नहीं करेंगे तब तक उस चीज़ को हम नहीं सीख पाए हैं। यानी नवीन भाषा को सीखने में भी व्याकरण हमारा सहायता करता है। अब है चारों कौशल। भाषा जो है भाषा का एक लैंग्वेज स्किल, भाषाई कौशल, ये आपको हम चैप्टर नंबर 6 में बताएंगे। ये ध्यान से सुनिएगा, चारों कौशल पढ़ना, लिखना, बोलना और सुनना का विकास करना, यानी व्याकरण के सहायता से भाषा के चारों कौशल को विकसित किया जा सकता है, डेवलप किया जा सकता है। पढ़ना सिखाया जा सकता है, शुद्ध लिखना सिखाया जा सकता है, शुद्ध बोलना सिखाया जा सकता है, और सुनना यानी किसी चीज़ को सुन करके किस प्रकार से बोला जा सकता है, ये भी आपका व्याकरण शिक्षण के उद्देश्य से ही सम्मिलित है। अब हम आते हैं टॉपिक नंबर 5 पे,
भाषाई विविधता वाले कक्षा कक्ष की समस्याएं। इससे आपका हर ईयर एक एक क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है, क्योंकि भाषाई विविधता का डायरेक्ट संबंध होता है बहुभाषिकता से। यानी विविधता का मतलब है कि वहाँ पे अनेक प्रकार की भाषा का यूज किया जाता है, और कक्षा कक्ष में जब एक से अधिक भाषा का यूज किया जाता है, बच्चे सभी भाषाओं पे बेहतर पकड़, सभी भाषाओं को बोलना समझना सीख जाते हैं। इसका मतलब होता है कि वो जो कक्षा कक्ष है बहुभाषिक कक्षा कक्ष है। चैलेंज ऑफ टीचिंग लैंग्वेज इन, देखिए तो ये टॉपिक कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये पहले देख लीजिए। टॉपिक नंबर फाइव, टॉपिक नंबर फाइव में 2011 में 3 प्रश्न पूछा गया, 12 में 4 क्वेश्चन, 13 में 1 क्वेश्चन, 14 में 3 क्वेश्चन, 15 में 1 क्वेश्चन और 16 में 6 क्वेश्चन। तो दोस्तों जो स्टूडेंट वीडियो को स्किप करके देखे होंगे उनसे रिक्वेस्ट है कि कृपया वीडियो को स्किप मत करेंगे, क्योंकि अभी बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट पर चर्चा होने वाली है। और इस टॉपिक से भी एक ही ऐसा टॉपिक है जिससे क्वेश्चंस पूछा जाता है, मुख्यतः बहुभाषिकता का उद्देश्य से क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो हमें इसका क्या समस्या है, क्या भूमिका है, इसके बारे में जानना उतना ज़्यादा जरूरी नहीं है जितना कि बहुभाषिकता का उद्देश्य जानना जरूरी होता है। तो चलिए बहुभाषिकता के बारे में हम आप लोगों को बताते हैं। देखिए भाषाई विविधता बहुभाषिक बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को संकेत करती है। इसका मतलब है कि कक्षा कक्ष में सभी समाज के बच्चे पढ़ने आते हैं, और हर समाज, हर समुदाय, हर क्षेत्र में सभी बच्चे का अपना अपना मदर टंग होता है, सभी बच्चे का अपना परिवेश का भाषा होता है। तो विद्यालय में सभी परिवेश के बच्चे अपने अपने भाषा का यूज करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि एक दूसरे का भाषा अनुकरण करेंगे बच्चा, यानी उनका जो संज्ञानात्मक विकास है, मानसिक विकास भी कहते हैं संज्ञानात्मक विकास को और बौद्धिक विकास के भी नाम से जाना जाता है, तो इसमें जो है सहायता प्रदान करता है। और बहुभाषिकता को एक संसाधन के रूप में देखा जाना चाहिए। कैसे देखा जाना चाहिए ये अभी हम आप लोगों को बताने वाले हैं। कक्षा कक्ष में बहुभाषिकता को एक संसाधन के रूप में प्रयोग करना चाहिए। यानी हम लोग वर्ग कक्ष में बहुभाषिकता को, मल्टीलिंगुअलिज्म को बाधा के रूप में नहीं देखेंगे, बाधा के रूप में नहीं। जैसे क्वेश्चन पूछता है आपसे कि बहुभाषिकता कक्षा कक्ष में संसाधन के रूप में कार्य करती है या बाधा के रूप में, तो बाधा के रूप में कार्य नहीं करती है, कार्य संसाधन के रूप में करती है। संसाधन यानी सोर्स, कैसे तो हम आपको बताते हैं। जैसे कि जो भी बच्चे हैं विद्यालय में पढ़ने आते हैं, वो सभी बच्चे एक दूसरे से समाजीकरण करते हैं, समाजीकरण करने के दौरान अपने अपने भाषाओं का यूज करते हैं, मित्रता करते हैं। तो मित्रता होते ही बच्चे जो है एक दूसरे का नकल करना सीखते हैं, यानी अनुकरण करना सीखते हैं, और इससे उनका भाषा भी एक दूसरे का भाषा वो लोग सीख लेते हैं। और व्यक्ति जो है एक सामाजिक प्राणी है, उसको समाज में ही रहना है। अगर आप इस समाज से दूसरे समाज में अपने आप को समायोजन करना चाहते हैं तो आपको वहाँ की भाषा सीख लेना बहुत ज़रूरी है, जो कि आपके विद्यालय से ही प्रारंभ हो जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, बहुभाषिक कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए अध्यापक को समृद्ध भाषिक परिवेश का निर्माण करना चाहिए। क्या करना चाहिए, तो समृद्ध भाषिक परिवेश निर्माण करना चाहिए। बहुभाषिक कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए अध्यापक को समृद्ध भाषिक परिवेश का निर्माण करना चाहिए। समृद्ध भाषिक परिवेश कहने का मतलब कि बच्चे वहाँ पे अपने भाषा का यूज करें, सभी बच्चे अपनी अपनी मदर टंग का यूज वहाँ पे कर सकते हैं। अब बहुभाषिक कक्षा में शिक्षण प्रक्रिया के दौरान अध्यापक को सदैव विद्यार्थियों को अपनी मातृभाषा में बोलने का अवसर प्रदान करना चाहिए। यानी बच्चे को हमेशा उनको स्वतंत्रता दी जानी चाहिए कि आप जो है अपनी मदर टंग का यूज कर सकते हैं। दोस्तों हम कैमरा थोड़ा ऑन कर लेते हैं तो अच्छा रहेगा। चलिए अब हम आएंगे टॉपिक सिक्स। दोस्तों ध्यान से सुनिए, भाषा कौशल लैंग्वेज स्किल। तो दोस्तों आज के सेशन में हम लोग पढ़े हैं टॉपिक नंबर 4 और 5। टॉपिक 4 था हमारा भाषा अधिगम में व्याकरण की भूमिका, टॉपिक 5 था हमारा बहुभाषिक भाषाई विविधता वाली कक्षा कक्ष की समस्याएं। तो दोस्तों टोटली इस सेशन में हम लोगों ने 2 सेशन को कंप्लीट किया। तो किसी भी टॉपिक पे आपको कोई कंफ्यूजन है तो एक बार हमें कमेंट करके बता दीजिएगा। आपका जो ये टॉपिक नंबर 6 है भाषाई कौशल, उसको हम लोग नेक्स्ट सेशन में चर्चा करेंगे। इसके लिए
आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करेंगे, और नोट्स चाहते हैं, पीडीएफ चाहते हैं तो इस नंबर पे मैसेज करेंगे। नंबर अभी हम आपको दे देते हैं 7484852650। ये नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप करेंगे, आपको जो है एक स्पेशल पीडीएफ ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक को प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो गाइस बताइए सेशन कैसा लगा। दोस्तों एक बात कल के लिए बता दें कि आपका जो टॉपिक नंबर 6 हम चर्चा करने वाले हैं ये कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए 2011 में 3 क्वेश्चन इससे भी पूछा गया है, 12 में 1 क्वेश्चन, 13 में 1, 14 में 3, 15 में 4 और 16 में 3। तो ये आपका जो लैंग्वेज स्किल है, भाषा का जो कौशल है, चारों कौशल, सुबह पहले सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, इस पर हम कल चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों सेशन को करते हैं एंड, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। किन्हीं को कोई टॉपिक में या कोई भी सब्जेक्ट में कोई समस्या है तो एक बार हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल देंगे, आपका समय रहते कमेंट लिया जाएगा और आपके समस्या का समाधान किया जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।